एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहा करती थी और उसके साथ रहती थी उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन गीता। रूपा की माँ के मरने के बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। थोड़े दिन के बाद उसके पिताजी की मौत हो गई। रूपा को प्रेम करने के लिए अब कोई नहीं बचा था। अरे सुनो, कब से तुम बर्तन ही मांझे जा रही हो? सोच रही हो तुम क्या आज कोई काम काज करना ही नहीं चाहती हो क्या? देखी ना, मैं कर तो रही हूँ माँ, वो दरअसल इतने सारे बर्तन है ना, तो साफ करने में मुझे वक्त लग रहा है। वाह 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 वाह, तुम्हारी जुबान तो बड़ी तेज चलने लगी है आजकल। तेरी माँ मरने से पहले तुझे अच्छी सीख ही देकर गई थी, सब समझती हूँ मैं। क्या हुआ माँ, इस बहन जी को क्या पट्टी पढ़ा रही हो तुम? और कौन, इस रूपा की मरी हुई माँ के बारे में बोल रही हूँ। उसकी माँ इसे क्या शिक्षा देगी माँ? उसकी माँ अगर पढ़ी लिखी होती तो अपनी बेटी को कुछ सिखाती ना। ये तूने सही कहा गीता। ए गीता, तेरी नींद पूरी हुई है ना? हाँ, नींद तो पूरी हो गई है मगर। नहीं नहीं, अगर तेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो तू थोड़ी देर और सो जा। अगर अच्छे से नहीं सोएगी तो आँखों के नीचे काले धब्बे हो जाएंगे। नहीं माँ, नहीं होंगे, थोड़ी सी चाय पी लूँ उसके बाद मैं एकदम फ्रेश हो जाऊंगी। सुना ना तूने क्या बोल गई मेरी बेटी? अब जल्दी से अपने हाथों का काम खत्म करके हमारे लिए गरम गरम चाय बना कर ला। अब जल्दी करो। ये लीजिए माँ, आपके लिए चाय। क्या हुआ, तू यहाँ खड़ी क्यों है? और कोई काम नहीं है क्या? नहीं, सारा काम कर दिया है घर का। तो जल्दी जाओ, हमारे लिए दम आलू और पूरी बनाओ। मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है माँ। एक तो काम करने के बाद ही तुझे भूख लग जाती है। जा, पहले हम लोगों के लिए आलू पूरी बना कर ला, उसके बाद तू कुछ खा लेना। अब जा। माँ, आखिर मेरे दुख के दिन कब जाएंगे माँ, बताइए। हाँ, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं माँ, बोलो कुछ तो बोलो ना माँ, आखिर कुछ तो बोलो। बहन ये लो, तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ। बहन वाह, मेकअप की कितनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं। काश मेरे पास भी ये सारी चीजें होती। हे, हे, तुम मेरे मेकअप के साथ क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो उसके साथ बताओ? माँ देखो जरा ये क्या कर रहे हैं, मेरी सारी चीजें खराब कर रही हैं ये। माँ देखो ना ये क्या कर रही है, किसको पूछकर तुमने मेरी चीजों को हाथ लगाया? नहीं बहन, मैंने खराब नहीं करी, मैं तो केवल देख रही थी। देख रही थी? अच्छा, तुम्हें लिपस्टिक लगाने के लिए किसने कहा? हाँ, जैसे सुंदर बनके पता नहीं क्या कर लोगी। हाँ होगा ही ना, अपनी माँ पर जो गई है ना ये। बिल्कुल सही कहा तुमने। जा यहाँ से। इस तरह से रूपा के दिन कटने लगते हैं। इसी तरह महीने बीतते जाते हैं और रूपा अच्छी तरह रहने की कला भूल चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ दिन बाद ही उसका दुख सुख में बदलने वाला है संपूर्ण रूप से। रूपा, ए रूपा, जरा यहाँ तो आओ जल्दी। जी माँ। सुन, गीता को आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं। लड़का और उसके माता पिता आने वाले हैं यहाँ पर, उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर और अच्छे कपड़े पहन कर मत आना उनके सामने, कह देती हूँ। हाँ जा, तुम्हारे बिस्तर के नीचे एक बक्सा पड़ा है, उसमें तुम्हारी माँ की पुरानी साड़ी है, वो पहन कर आ जाना। माँ वो लोग कब आएंगे माँ? अरे बेटा वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। ए तू यहाँ क्या खड़ी है, जल्दी जा। अरे वाह, लड़के वाले आ गए हैं। ए चलो जल्दी जल्दी करो, चलो चलो जल्दी से तैयारी करो।
आइए आइए अंदर आइए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। कहाँ है आपकी बेटी, कहाँ है? हम तो देखने आए हैं आपकी बेटी को, जल्दी बुलाइए उसे, जल्दी बुलाइए। मैं अभी बुला कर लाती हूँ, रुकिए। गीता, गीता बेटी, जरा बाहर तो आना बेटी। कितनी अजीब बात है, इसमें तो मेरी माँ की साड़ी है और मैंने अभी तक इसे खोल कर भी नहीं देखा था, ऐसा कैसे हुआ? हाँ, चलो अब इसे मैं पहन कर देखती हूँ, देखो तो सही इसे पहन कर मैं कैसी लग रही हूँ। माँ, इसे छूकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें छू लिया हो। माँ, ये साड़ी आप पर कितनी अच्छी लगती होगी। रूपा, ओ रूपा, जरा चाय पानी जल्दी से लेकर आना। अरे माँ बुला रही है, जल्दी से ये साड़ी पहनकर मैं बाहर जाती हूँ। ये क्या, ये क्या हुआ? ये सारी चीजें मेरे ऊपर कैसे आई? ये कंगन, ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? ये सब हुआ कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये कहाँ चली गई? चाय पानी जल्दी से लेकर आना। अब जो भी हो, मुझे माँ बुला रही है, देर करूँगी तो मुझे डांट पड़ेगी, जल्दी जाती हूँ। ये लीजिए आपके लिए चाय। यहाँ खड़ी क्यों है? ये क्या बहन, तुम्हारी एक और बेटी है, वो भी इतनी सुंदर, मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, इसे छुपा कर क्यों रखा हमसे? नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही, वो तो बस। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपा। रूपा, अरे वाह कितना सुंदर नाम है। ए रूपा, जा यहाँ से, सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आओ, जाओ जल्दी। हाँ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी चाय बनाई है रूपा ने। बिल्कुल सही बोला माँ आपने, मैं अगर शादी करूँगा तो इसी से करूँगा और किसी से भी नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन आप तो मुझे देखने आए थे ना। नहीं वो नहीं, मेरे बेटे ने रूपा को ही पसंद किया है, क्या करना, यही रिश्ता पक्का समझते हैं, बिल्कुल पक्की। अब अगर इस घर में मेरे बेटे की शादी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रूपा से ही होगी। लड़के वाले चले जाते हैं, उसके बाद रूपा पर अत्याचार शुरू हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ बता, तुमने ये जादू कैसे किया? सच सच बता, जल्दी बता। अरे क्या हुआ, बोलो ना, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? वरना अभी के अभी तुम्हारी जबान खींच कर बाहर निकालूंगी। विश्वास करो, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैंने ये साड़ी पहनी और अचानक मेरा श्रृंगार हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा तो ये साड़ी मुझे दो, मुझे दो, मुझे भी पहन के देखना है, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? दिखाओ, मैंने कहा ना मुझे साड़ी दो, दो। अब मैं हो जाऊंगी और भी ज्यादा खूबसूरत। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मेरा शरीर काला कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है? माँ, माँ ये क्या हो रहा है, बता। ये क्या, मैं काली कैसे हो गई? ये क्या हो गया? ये साड़ी से तो मैं रूपा के जैसे सुंदर होना चाहती थी। ये साड़ी है जादुई साड़ी, इसे जो भी पहनेगा उसके मन में जो भी होगा वो उसके रूप में दिखाई देगा। बेटा मैं तो यही थी, तुम्हारे तुम्हारे आसपास थी, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, इसलिए जैसे ही तुमने ये साड़ी पहनी तुम्हारे मन की जो पवित्रता है वो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देने लगी। इनका मन बहुत मैला है इसलिए इनकी ये दशा हो गई। अब इन दोनों को पहले जैसा करना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है बेटा।
नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या हो गया? गीता और उसकी माँ को सजा मिलती है, वो कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते। इधर रूपा की शादी होती है उसी लड़के से, वो सुख और शांति से जीवन बिताने लगती है।